हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ लूसेंट जीके के 1000 क्वेश्चंस की सेट की। इसके पहले जो है हमने ये आपका दूसरा सेट होगा, इसके पहले भी हमने 100 क्वेश्चंस की सेट आपको अलग से बना के रखी है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको 1000 क्वेश्चंस का सेट इसी तरीके से पूरा हो जाए। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। साथ ही साथ इसके आगे के जो भी आपके 1000 क्वेश्चंस की सेट होने वाली है, उस सारे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करें उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें, बिकॉज यहाँ पे जो है सारे आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही वीडियोज़ मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर या तिब्बत का पठार। तो सबसे ऊंचा, सबसे चौड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा से रिलेटेड हमने विश्व से रिलेटेड आपके दो वीडियोस बना के रखा है, तो आप हमारे चैनल के वीडियोस लिस्ट में जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए ताकि यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, बिकॉज यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन आपके हमेशा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रेजेंट में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। फिर है आपका, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? वन हॉर्स पावर इक्वल टू वाट? तो 746 वाट के बराबर होता है। फिर आपका क्वेश्चन है, पानी की बिंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पानी की बिंदों के गोल होने का कारण होता है पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। नेक्स्ट है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की अगर दूरी रहेगी तो आराम से हम उनके बातों को सुन सकते हैं, जो हम सुनने वाले हैं और जो बोल रहे हैं उनके बीच में 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में, और अगर बात करें ध्वनि की चाल की तो यह सबसे ज़्यादा होती है आपके ठोस में, स्टील में, और निर्वात में जो है ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, शून्य के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और सबसे कम की बात करें तो लाल रंग की होती है। नेक्स्ट है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर कह रहा है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन और सीसा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँखों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वैलेंटाइना तेरेश्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का अयस्क होता है सीनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो पेलाग्रा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूअस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर।
फिर आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई होती है पारसेक। फिर है आपका, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परास्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। फिर आपका क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिमी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रैबीज, जिसे हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन जो सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क या दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, जो कि आपका नेपाल में स्थित होता है। नेक्स्ट है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। इंडिया जो इस बार सबसे फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड कप विन किया था वो 1983 में किया था, उसके बाद 2011 में किया था। तो 1983 के कप्तान थे कपिल देव एंड 2011 के महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कुल 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1901 में हुआ। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने। नेक्स्ट है आपका, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है। फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मशूड़ों को करता है। नेक्स्ट है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन है। नेक्स्ट है हमारा, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। फिर है आपका क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बक्षेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेविस कप का संबंध किस खेल से? ये आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका संबंध टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। फिर है आपका क्वेश्चन, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन होता है राज्यसभा। फिर है आपका क्वेश्चन, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। तो बुक्स एंड इसके ऑथर से रिलेटेड हमने आपके लिए अलग वीडियो बना के रखा है, तो आप उस वीडियो को भी जाके हमारे वीडियो लिस्ट में ज़रूर से ज़रूर देखो, ताकि आपको बुक और उसके ऑथर से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1954 में जो भारत चीन का समझौता हुआ उसे हम कहते हैं पंचशील समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। फिर है आपका क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो टेनिस में होता है। फिर है आपका क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के एम करियप्पा। अभी प्रेजेंट में थल सेना के अध्यक्ष कौन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। फिर है आपका कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। इसके अलावा मैं आपको बोल दूँ फिर से कि आपको यहाँ पे जो भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक्स की क्वेश्चंस आपको चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े यानी कि 46। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है, रामचरित मानस किसने लिखी? तो तुलसीदास ने लिखी। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित की गए? तो 1951 में नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, जो कि आपका खानपुर कला सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन था? तो अनिल कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की कितने नंबर पे है जनसंख्या से देश हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, जो कि सबसे सबसे ब्लड ले सकता है, वो रक्त समूह आपका कौन सा है? तो ए बी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में। फिर आपका क्वेश्चन है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होती है? तो हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा। नेक्स्ट है, हमारा सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। फिर है आपका, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की। फिर है आपका क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बॉडेन पावेल ने की थी। फिर है आपका क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, और ये आपका सबसे गहरा महासागर भी है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा को लेके जो हमने आपके लिए वीडियो बनाई है, उसे आप ज़रूर देख लेना, उससे आपको ये सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। फिर है हमारा क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से। फिर है आपका क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। साथ ही साथ ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसकी आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।